सलवात पढ़िए बाबा हजरत। ऐ फातिमा, ऐ बिनते फातिमा के अजादार महिबो, ऐ बिनते फातिमा के अजादार महिबो, लाहत बड़े सुकून से तुम्हें सोने देगी, लाहत बड़े सुकून से तुम्हें सोने देगी। ऐ गमे शबीन में रोने वालों सुन लो, माशर में तुम्हें जहरा ना कभी रोने देगी। बेशक सहर की रोशनी अच्छी लगी तुम्हें, हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, लेकिन खुमस से कतराते हैं। सैयद का हक, सैयदा की आज मजलिस है तो उस मुनासबत से ये बात करना चाहता हूँ। बेशक सहर की रोशनी अच्छी लगी तुम्हें, हतमन सहर के बाद है एक शाम सोच ले। बेशक सहर की रोशनी अच्छी लगी तुम्हें, हतमन सहर के बाद है एक शाम सोच ले। सदात को तू खुमस ना दे मुझे इससे क्या, सदात को तू खुमस ना दे मुझे इससे क्या, परगास बे बतूल का अंजाम सोच ले। मम्मी ग्राम आम मुतमिसून नफीस जाकरीन जाकर अहले बैत अली रज़ा साहब से कि वाएँ और ज़िक्र फ़ज़ाइल साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद बिन फरमाएँ जनाब जाकर अहले बैत सैयद अली रज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन लिवली कल हुज्जत इब्न अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी फी हाज़िहि सातिब फी कुल सलाम मिन साति लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम रहना हत्ता तुस्किनहु व ज़कातहु व तुमत्तिअहु फीहा तवीला या काशिफल कर्बे अन वजल हुसैन इक्शिफ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक्के अखीकल हुसैन या अबुल फजल अब्बास अलैहि सलाम सलवात। जिक्र अजीम की कबूलियत वास्ते उची सलवात पढ़ो। मरोमीर दे दर्जा की बुलंदी वास्ते सलवात। पाक सैयदा दी इज्जत व अज़मत ते बवाज़े बुलंद सलवात। इमाम ज़मान दी ज़हूर व सलाम दी वास्ते भी उची सलवात पढ़ो। दुआए मालिक जिक्र कबूल फरमा, बारियां दी अज़ीम मेहनत मालिक मंजूर ते कबूल फरमा। जनाब दी मुकद्दस मकाम ते हाजरी सारी नौकरी जिक्र दी वारिसा मंजूर ते कबूल फरमा। जड़े चाहते हो कि दुआ किसी की खाली न जावे सलवात उची आवाज नाल पढ़ो। अल्लाह सुले अल्लाह। इजाजत है नौकरी पक शुरू करो। अज दी बिस्मिल्लाह इन लफ्सों तो कि दागे मातम जो यसीने पे सजा रखा है, चूंकि अलहमदुल्ला मोमिनीन का एक मरकजी यस्थान है, मालिक का बड़ा सोहना घर मालिक थोड़ा नसीब रखे गिफ्टे कबूल होवन, और फिर थोड़े शहर के मातमिया के मुतालिक बड़ा नसा गया पे बड़ा अलहमदुल्ला जज्बे नाल पाक शबीर के बाद भी जिक्र शिरकत करते मातम करते। अज मैं फिर पहला लफ्ज़ ही, हालांकि
दाग दे मुतल्लिक किबला जड़ा आम कॉन्सेप्ट है दाग दाग या मिटाया वेंद है या छुपाया वेंद है बहुत जियो इतनी बरीक बेनी नाल मोमिन समात करन ना तो बात मजमा थोड़ा भी होवे तो थोड़ा महसूस नहीं होता दाग या छुपा या मिठा असूली तौर पर काफिया लगना चाहिए ही या छुपा या लुका लेकिन लगा कि ये दागे मातम जो ये सीने पे सजा रखा दागे मातम जो ये सीने पे सजा रखा है जबानी कलम ही नहीं दिल को मौला का आजादार बना रखा या अली हाँ बाबा दिल को मौला का आजादार बना रखा है और एक चैलेंज है वो चैलेंज किस कैफियत है वो चैलेंज किस अंदाज है हर बंदा अपनी लाइफ सिक्योर करने वास्ते बड़े बड़े हीले बहाने करता है असो की करते हैं दिल को मौला का आजादार बना रखा है और मुश्किलों सोच के आना मेरे घर की जानिब मैंने गाजी का आलम घर पे लगा रखा जड़ा हो गई सैयदा दी दुआ वो कितना अजीब हो सी वो कितना बुलंद हो सी अयाम सैयदाइन बीबी दे यौमिन मजेज जीवकार सामी ने किराम मेरा दिल चाहते हैं मेरे अजीज मोहतरम दौरे हाजरत बहुत बड़े मसैब खान जनाब जाकिर जाफर रजा रट्टा साहब तशरीफ गिन है मालिक इन जिंदगी रखे मालिक थारी भी जिंदगी रखे बानियान दी मालिक जिंदगी रखे उन डिप्टी कबूल होवन लंगर नियाज और नमाज दे वक्फे दे बाद दोबारा एक किस्म का नवे सिरों माहौल बड़ा बड़ा होता है हालांकि वक्फा मेरा जो पहले शेड्यूल आई मैं वक्फे तो पहले ड्यूटी पेश कर नहीं आई लेकिन इन आके थोड़ा मजीद ठहर जाओ मैं कि चलो बाबा नियाजमंद है कंप्रोमाइजिंग जब मिजाज है हाजिर खिदमत है वहाँ थोड़ा एज करके पढ़ो ना कि पता लगे कि बहुत बड़ा मजमा मौजूद है अर्ज कर रहा अली दो जहाना कसीदे का मौजू वेखना है कसीदे की कैफियत रू जरा समझना है कि आखो सैयद लफ्ज तो यह आखे नहीं भाई अयामे सैयदा है ते कसीदा तो शुरू किया ही पाक मौला अली दा किबला वेखना है ये तो लुत्फ है कसीदे का एक मोड़ लतीफ दिया उस ते गौर करना है अली दो जहाना मुश्किल कुशा है मुश्किल कुशा है अली दो जहाना
मुश्किल कुशा है तो जहाना मुश्किल कुशा है मुश्किल कुशा है तो जहाना मुश्किल कुशा है मुश्किल कुशाए तो जहाना मुश्किल कुशाए अली बाबा अली दो जहाना दा बोड़ एक बोड़ का सीने दे बजुए जावे अली दो जहाना मुश्किल कुशा है अली की तो मुश्किल कुशा सैयदा जियो भाई आरिफ आला और ए चक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा जी में अल्हम्दुलिल्लाह जरा बुजुर्ग तो लेके बच्चिया तक जरा सारे इवें जिक्र मुकम्मल बह वो तो फिर एक कैफियत बढ़ती है जिंदगी दराज हो बने किबला हूँ बेसर सदी वो भी एक मालिक दे अपने फरमान की तर्जमानी है उस कलोज तू वेखने सादी मुलाजा अली तो जमाने हर माँ पुत्रा दिमाहे जमाने हर माँ पुत्रा दिमाहे मगर अपने बाप दिमा मुश्किल कुशा सही अदा अपने बाबे दी उम्मी अभी हा बात सही अदा कौड़ बतूल तो इस घर तू इस दर तू वड्डा कोई घर या दर भी खात सही वातसा तेरे साथ दे भी है जरा घर भी है जरा दर भी है पूछो सही अद कोई दलील के कहना कोई घर और ए दर बलद क्यों है मैं अर्ज करता मैं अदरज जाकिर इस दर का नौकर मैं इस चक दे शबीर दे सोने घर च खलो के जरा मैं सैयदा दे आया बिच मैं सतर पेश में करे दाने खुदा बे दर तर्जमा पढ़ छोड़िए हदीसे किसादा तर्जमा पढ़े मोहम्मद दकीते शिफा सैयदा यार ये प्यार है कमाल है भाई इस देहात
अजीम सबाक सुनावे। ओ कलाबे खुदा बे दे दर तला कलामे खुदा बे दे दर तला इते घर तेड़ा पिता पुछ के आदी से किचादा जरा तर्जमा पड़े से जरा तर्जमा पड़े मोहम्मद जकी दे शिफा सही कसीदे का अंदाज चुके ऐसा चल रहे हैं ना कि नाल नाल जिक्र अली भी अली दे जिक्र दे नाल सैयदा दी फजीलत जिवें कसीदे दा इब्तदाई आई अली अली तो जान दा मुश्किल कुशा है ते वद अली की ते मुश्किल कुशा सैयदा है जिहड़ा शेर हुण पे पढ़दा इहदे विच भी एक इसे अंदाज दा कलम दा अजीम तवील सफर है। इस शेर दा भी इब्तदाई आ पीर अली तो इख्तामिया अली दी पाक सौजा ते मसलन अगर थारे जाए दाना ते मारफत वाले बच बिच मैं शेर पेश करा तो वसूल कर लवे जय कुको मालिक बड़ा मेरा पीर अली सदके भाई ये थारी इमारत चलो भाई तामील कर छोड़ो जिन खुदाए दमाल के बड़ा कुल खुदाए दमाल के बड़ा सारे दबाल के बड़ा दिरोजी के आद जिंदगी उमरे मालिक फरिश्ता सलामत रखे। एक कलाम वह भी बड़ा इवें मिला जुला कलाम है उदी तदा पाक बीबी दे पाक बाबे तो है यानी कंसर्निंग मजू है जमात हुसैनी दे सामना सैयदा दे बाबे तो कलाम शुरू सी ते बड़े सादे पैरा च बलंगारा जहा कलाम है थोड़ी मार्फत रंग वेख के मेरा दिल बढ़ गया। एक सलवात
सारे मिल के पढ़ो चा। कौने तमामी तमामी कुल कौने इस इलाके वाले हो एक कलाम थोड़ा पता है बजुर्गों के मार्फत वाले कलाम ये भी मैं जिंदा रखे हुए और नौजवान जाकरी नू मैं इंतबा भी करदा कि इन कलामों कोई एक अद नमूना वो जरूर वो पेशकीता करो ताकि ये कलाम चुके बड़ा रूहानियत वाले ने मैं सतर पेश की थी कौने पूछो सैयद की एदा मतलब की सुन दे आसो ते दात तो पहले भी तुझे कमाल थोड़े उत्ते अता है मालिक दी जिंदगी दराज उमरे नसर बसर नहीं इतने अच्छे मजमे च इंतजार की लोड़ ही नहीं पौंदी मेरे नाल इवें कड़ी नाल कड़ी शायरी की मिलती आवे ते मेरे नाल सफर कर दिया कौन है शायरी का म्यार चेक करे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह घराना एक पासे घराना एक पासे हसनैन दा नाना एक पासे रदीफ है एक पासे ते घराना और नाना एक काफिया अगे टुरी है हुण तां जिहड़ा हुण तक सफर इस नज़म दा है यानी मैं सारे मुरसिल ए तक मुश्तरका बात हो गई ना हुण बजुर्ग शोरा दा अंदाज वेखो उन्हें सोचा है चूंकि वह मुरसिल थे चोखे उन्हें चू बकायदा किना दे ना चाह के ते वत गल गल अगे ठोरीए हुण शायर ने उन्हें मुरसलों विचू किना नू चुनिए ते उन्हें दा ना किवें चाहिया है को बड़ी मेहरबानी जिंदगी दराज उमरे शेर जितने उमन बिच किना लैवल इतने किना इतने किना इतने हूँ जनाब जड़े बंदे की दात की कैफियत अजा थोड़ी पिछे बदी है वो बंदा अपने आप को मजीद हाजिर करे जेड़े मुहम्मद का जिक्र चल रहा है
उसे दा अपना फरमान है कि जिथे तौहीद और मेरा जिक्र करो मेहरबानी बुजुर्गो उथे एक जिक्र है जिस नाल बिला फसल वो बिला उचा बालिक हूं कहता है लो जी शेर सुनो सुनी बिरावाओ बिपाद समझो बिपाद नबी के बाद इन्हें इतराज करते सर से दो जगदी बादत एक पास दो जगदी बादत एक पास इदा जरा बिचाला एक पास बाकी आरिफ वाले हैं आरिफ तो मैंने मार्फत और भाई तरतीब का लुत्फ लाओ के रिसालत तो शुरू होया जिंदगी होने फिर विलायत अली आ गई हुण वत विलायत नूं मन्नण वाले परवाने इन्हां दे इक नौकर दा शेर अच्छा शहरी ती एक सिनफ है यानी एक किस्म है तजादिया कला मसला चलो बजुर्ग तो पढ़वे दियो अपने बच्चों नूं गल समझावण वास्ते मसलन हिक्के शेर च रोशनी दा जिक्र ही होवे ते अंधेरे दा भी दिन दा भी होवे ते रात का भी हो गई तसैयत ये शुरुआत है तजादिया शहरी हूँ तजादिया शहरी का एक नमूना है उसका मियार वेखो बजुर्गों के कलम की मेहनत वेखो उन्हें अली ते आले नबी दे एक परवाने का उन्हें शेर किस रंग इस रकम कीता है बजुर्ग लिखे हबीबे गले थके वधे ने लेकिन तय हूँ इस रंग च हुक्म कीता है भाई बानियान दा ए आर्डर है मेरी चुके पहचान ने कसीदे लेकिन बीबी दिया डिफ्टियाँ चुके पिछले पूरे हफ्ते दिन रात दिया लेकिन चलो थोड़ी हिम्मत करें सन ते कोशिश करते हैं बजुर्ग लिखा है हबीबे खुदा ने अली मुर्तजा को है खैबर बुला मेहरबानी से लफ्ज सवेरे सवेरे टैमे जोरैन पेशी लफ्ज सवेरे सवेरे हूँ यदा लुत्फ लभना है लोगों को वहम है भाई शायद इन्होंने शिया अली नु बधाया है
और खुदा दे वास्ता मस्कीन शिया उन्हों किन्ना वधा लवणे जिहड़ा पहले अली होवे। भाई सवेरे सवेरे ये हुण फसूल करो, सवेरे सवेरे अली खैबर च पहुंचे ते नबी ने टुरना शुरू किया। इस बड़ा राजा तो पढ़ता उठ सी रूटीन तो थोड़ा मुख्तलिफ एक असीदा है थोड़ा पता है। अली पहुंचे नबी टुरे इमरान के पुत्र जीन तुलावर का इरादा किया। नबिया दे सुल्तान कदम होर तेज चाहे अली ने रकाब चू बकैदा पैर भी कट लिया ते आख्या हजूर मेरे वास्ते तकलीफ ना करो मैं उथाई आता पिया। नबी जरा अमर जारी किया हाथ मंगा ही अली आ दिल के मैं उथाई आता। नबी बाजू फैलाए या कुतिला फिला के नबी पया दिल ठहर जा जड़े राज पर्दा उठता पे वो वसूल करना है। ठहर जा उतरना नहीं है खुदा लब यजल का पयाम आ गया है। रकाबे पकड़ कर जमाना इमाम आ गया है नबी ने अली को गले जब लगाया बड़ा लुत्फ आया। सवेरे सवेरे इस अली दिया धीया लुटिया गई मेरी सहेड़ी उजड़ गई कहते लगा कुछ नहीं इस घर का उम्मत ने जहरन बचाया। सादात मोमिनीन नबी दिहिको धी आई मेरे कुछ अजीजा ये जिक्र पढ़िया है लेकिन चूंकि बड़ा तवील दुखों का एक समंदर है बानिया ने आख्या कुछ हिस्सा तुसा जड़ा एक मुल्क मैं कुछ मरसीए पढ़ रहा मैंने हुक्म किया रहे चूंकि मौसम है बीबी के रुखों का मेरी मावा भैन दिया गल बरछी तो मुख में दी ना मेरी कौम इंज ना रोंदी कि भला मुहम्मद अब्बास कुम्मी साहब एक जुमला अक्सर वो मसैद दीप्तदाज पढ़ते होते वह पढ़ते होते हैं कि इस वेड़े की हर धी जख्मी है हर धी जख्मी है और जख्म की हद ही कोई नहीं जड़े बदे है नहीं की थी जैदे वीर कोई ना उन्हों घर आके मारिया जैदे अठारह उन्हों बाजार च मारा दे दरबार च मारा
कोई सारा मजमून नहीं, लेकिन एक खैरात हो जाए मेरे बाद मसैब के हवाले नाल बहुत बड़ा नाम मौजूद है। चूंकि सैयद है और मसैब ने हमेशा मालिक कुल पिन के पड़े है, गुरबत की इंतहा वेख और विलायत अली की कीमत वेख के 18 जिला च गदीर सवा लख बंदा 28 सफर नबी के जनाजे ते 7 बंदे यहां ते 11 बंदे अजरे रिसालत एक कलमे का कुरान की कसम है नबिया दे सुल्तान खर साहब बीबी के दरवाजे ते जरा आखना ना कि बेटा बतूल इजाजत है मैं अंदर आ जावा। वो बंदा अमीर है जदि है नहीं निकली। मेरी बेटियां बतूल जैसी बेटी उबाली टुर के आविया बाबा कदी प्यू भी इजाजत मंगते तेरा ते मेरा प्यारा नबी अख बस पवना एक जुमला आख्या बतूल मैं कोई अपनी मर्जी नाल रुकदा यार बड़ी मंजूरी है भाई मालिक नदी पूरी कबूल करे मैं कोई अपनी सलाह ना रुकता। करबला पढ़नी भी जाफर सौखी नहीं औखी है। करबला शाम उविदार भी मसैब केड़ा सौख है, लेकिन मेरा 38 साल जाकरी का यह तजर्बा और मुशाहदा शायद है ये जड़ा जमाती उसानी का ये दुख है ना एक करबला तो भी औखा है बंदे बर्दाश्त नहीं करे दे अगर हुक्म किया ही तो थोड़ी जी इस्तकलाल वधा ये जुमला ये नुकता मेरी मावा भेड़ा दिया तू सभी और ये बात भी मुकाड़ी भी ओ भाई ये जेहन रखो ना कि एक ये तस्वीर के रसूल खलोते इजाजत पे मंगते वातिया दरवाजा यार जैदी हाय जाकिर दी मिन्नत दी मोहताज नहीं एक नबिया का सुल्तान रुका खड़ा है इजाजत खड़ा मंगता है तो मैं जुमला आखे वत इो दरवाजा इया बतूल उआ मदीना ते मंजर बदल गया है हालात बदल गए ते रसूल टुरिया जहरल दिन भी 3 या 4 गुजरे मेरा भाई आदे लोग बदल गए लोग ना बदल गए नजर बदल गई बिगावा बदल गई तेरे मातम की कसम चटा मेरे कलम को मुसलमान भाई अच्छा शिया को इवे बंदे मातम करते हैं लफ्ज रैयत समझे दरते रैयत आ गई शाला कह सरदार ते टाइम ना आवे इना दिना दी कसम चटा ता निके बच्चा का मातम तवे ठी भी लगा
जवान रोबड़ा औखा है लेकिन जवान आओ सतर मैं पढ़ता मत मातम जाने ते तेरी जवानी जाने मिंबर दी कसम मैं दर ते के इतने सखर मैं हुसैन दिमाग ठहरो ठहरो भाई इतना रंग ही और बढ़ गया है अलमान अलमान डरो के का बेच दार ते दी के हाथ क्यों जुड़े थे ओ मैं बिस्मिल्लाह कर चलो शुरू तो पढ़ो जटा घर दो गल्लां मैं पढ़नियां एक कीती इस अपने औलाद दे बाबे नाल यानी वारिस नाल हसनैन दे प्यू नाल ते एक कीती इस अपने बाबे नाल घर च कोई जख्मी होवे ना तो वारस नूं दे एक एक लम्हे की फिक्र होंदी है इस गल नूं पहले करीब तू समझ लवै वत मातम जाने मेरी सहन जाने ये जड़ी मखसूसी हूँ मनाई में ना ये दो ते त्रै दी किबला दरमैनी रात है अली जय बहादुर हसनैन दे बाबे नूं आदिए पाक अली मैं थोड़े घर में थोड़ी देर मेहमान हाँ मेरिया कुछ वसीतल या अली मैं उम्मीद कर दिया कि मेरी वसीयत पूरी करे सो त्रै वसीयत में पढ़नी है अगर ते एक एक वसीयत ओ बीबी दी दिल ते नक्श कर ली तो मुसल्ले ते रोसे अली फरमे दिल हुक्म कर यादगार मोहम्मद रो रो के पया ते रखे याद वसीयत अगली वसीयत कोई हूं भाई जरा बंदा मातम न करे ओदी अपनी किस्मत हौसला मेरा बच्चा रो के पया दिल कोई छिड़ काफी नहीं या काफी नहीं या मरसिया लाजमी पढ़ा बोलो बर्दाश्त करो तो मरसिया पढ़ा वरना तो खैरात इतना ही मुकम्मल है चलो मैं अर्ज किया ही ना कि कुछ गल्लां कीतियां हसनैन दे बाबे नाल बात मेरी धीआं
अल्लाह ना करे कैदी दे हालात बनन, जितनी दुखी होवे ना कुछ गल्ला ऐसियां होंदियां जड़ियां अपने पेकां दे इलावा धी कह नाल करेंदी नहीं। अदिया सुनैन मैं थारे प्यू नाल जड़ियां करनियां कर लियां, हुण मेरे हाथ पकड़ो मैनू अपने प्यू की कबर ते खिन वंजो। कबर नबिया दे सुल्तान दी आई, उत्ते एक दुखी धी आके बैठी ते कबर ते पेशानी रख के ते रो रो के पई आदी तकू दसा तेरा अपना बरसिया मुबरक ओशाला के सरदार और अपनी रैया के सामने इस हालात ते न पहुंचे और मैं कुंवर रब दे कम बाबे नाल एक ओ गल कीती सला वास्ते सुन लवे भैया वास्ते ए बार बार बर्दाश्त न करे सो मैं अगे पढ़न दो प्यू नाल ओ गल कीती जै रोज़े रसूल हिलाया कबर ते मत्था मारस रुनिए आदिए बाबा हक न देवना बाबा जागीरा दे अरमान ही न लगना बाबा तेरी कसम यार मर किसे नहीं बनना तेरा मजलस मुकड़ी है मेरे ते देर ते ही रोवना ही। अच्छा बाबा चलो नौकर पढ़ते ना लेकिन अल्लाह वास्ते हौसले नाल रो के पैया दिए चेड़े ता मालिक ड्यूटियां कबूल कर।